देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस के कुछ ऐसे आइडियाज दूंगी जो आपके माइंड को ब्लो कर देगा, यानी कि अफोर्डेबल तो होगा ही होगा और आपको भविष्य में इससे बहुत मुनाफा भी होगा। सबसे पहले दो चीजें खासतौर पर ध्यान में रखिए जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करें ताकि आपको नुकसान ना हो। पहला ये कि वो अफोर्डेबल हो, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा वेंचर आप डाल दें और उससे आपको मुनाफा ही ना हो। जितना आपका बजट हो, मतलब कम में आप ले सके और ज्यादा में उसे बेच सके ताकि आपको भी उसका मुनाफा हो सके। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि जो भी बिजनेस आप शुरू करते हैं कि देखिए मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, क्या वो बिजनेस ट्रेंड में है, क्या वो सीजनल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी शादियों का सीजन है, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है और हमारे देश में तो फेस्टिविटीज जो होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की होती है तो वो उसमें से एक है ज्वेलरी। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहां से आप अफोर्डेबल ज्वेलरी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखने की होती है कि आजकल तो हर कोई ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है, तो आपकी यूएसपी क्या है? यूएसपी ये होनी चाहिए कि आप जो ज्वेलरी सेल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक होनी चाहिए। अब ये आपको कहां से मिलेगी? देखिए, वीवी सिंस के इस पेज पर आप जाके इन लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और होलसेल में इनसे लेकर आप एग्जीबिशन में लगा सकते हैं और मिनटों में बिक जाएगी क्योंकि यूनिक डिजाइन इनके पास है और साथ ही 50 से शुरुआत होती है। तो आप ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट हेल्प्स यू।